गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे इजी कुकिंग विद सोनी यूट्यूब चैनल पे। गाइस मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मसाले वाली भिंडी। मसाले वाली भिंडी को बनाने के लिए हमने हाफ के जी भिंडी लिया है, जिसको हमने अच्छी तरीके से धो के उसको छोटा छोटा काट लिया है। भिंडी को फ्राई करने के लिए हमने दो प्याज लिए हैं जिनको काट लिया है, एक बड़ा टमाटर लिया है जिसको काट लिया है, और 1 से 1.5 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना लिया है। इसमें हम मसाले डालेंगे, जिसमें है 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 से 1.5 चम्मच हल्दी, 1 से 1.5 चम्मच जीरा, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च और 2 बड़ा चम्मच धनिया और 1/2 से 1 पिंच हींग और 2 तेज़पत्ता। सबसे पहले हम भिंडी को फ्राई करेंगे, जिसके लिए हमने लिया कढ़ाई और उसमें डाल दिया है 2 बड़ा चम्मच ऑयल। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑयल गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पचफोरन। अब हम इसको चटकने तक का वेट करेंगे। पचफोरन हो गया हमारा ब्राउन। अब हम इसमें डालेंगे भिंडी। भिंडी को करेंगे हम मिक्स। भिंडी को 4 से 5 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। भिंडी को फ्राई करते हुए हमारा 5 मिनट हो गया है। अब हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। भिंडी हो गया हमारा फ्राई। अब भिंडी के तड़का के लिए हम डालेंगे सेम कढ़ाई में तेल, 2 बड़े चम्मच। तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा ब्राउन हो गया है। अब हम डालेंगे तेज़पत्ता। तेज़पत्ता डालने के बाद सूखे लाल मिर्च, थोड़ा हम इनको ब्राउन करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपने कटे हुए प्याज। प्याज को कर लेंगे फ्राई, थोड़ा ब्राउन होने तक इसको हम करेंगे अच्छे से फ्राई। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा प्याज थोड़ा ब्राउन हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें गार्लिक जिंजर पेस्ट। प्याज हो गया है अच्छे से ब्राउन। अब हम इसमें डालेंगे जो हमारा छोटा सा कटा हुआ टमाटर था, उसको हम डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। प्याज टमाटर हमारा अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें जो मसाले थे हमारे वो डालेंगे, उसको भी अच्छे से भून लेंगे। मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के अनुसार। सारे मसाले पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपनी फ्राई की हुई भिंडी। भिंडी डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारी भिंडी मसालों में अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसको ढक देंगे पकने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट हो गया है भिंडी को पकते हुए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी मसाले वाली भिंडी बिल्कुल रेडी। मसाले वाली भिंडी हमारी हो गई है रेडी। अब हम इस पर थोड़ा सा धनिया गार्निश कर देंगे। ये हो गया हमारी रेसिपी रेडी। मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।